नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में 570 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत 200 जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, 5वीं 10वीं 12वीं स्नातक पास मांगा गया है। तो इन पदों के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा, दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जुड़ू में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कोई भी पदों के लिए आवेदन करें, अप्लाई करें, नोटिफिकेशन विज्ञापन को अच्छे से पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। ये बातें मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से ना छूटे, आवेदन करते समय आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। पहला विज्ञापन जारी किया है काले न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे 27 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग यहां पर पद का नाम देख सकते हो, माली के एक पद पर भर्ती किया जाएगा और स्वीपर के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। इन पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, 5वीं पास मांगा गया है। और दोस्तों आप लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोगों के पास ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी मैकेनिक, कंप्यूटर प्रिंटर मैकेनिक इत्यादि का प्रमाण पत्र है तो आप लोग आवेदन पत्र के साथ में जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूनतम आयु के बारे में, क्या मांगा गया है इन पदों के लिए। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 40 वर्ष। और दोस्तों जो आप लोगों का चयन किया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक और कौशल परीक्षा के आधार पर आप लोगों का सीधा भर्ती किया जाएगा। फाइनली आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा। दूसरा विज्ञापन दोस्तों छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किया गया, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी में 464 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और फाइनली दोस्तों आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी द्वारा आगामी 15 फरवरी को रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा जनपद पंचायत नगरी में सुबह 11 बजे शाम 4 बजे तक। रोजगार मेला के माध्यम से निजी क्षेत्रों के नियोजकों द्वारा कुल 464 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक निजी क्षेत्र के नियोजक अलर्ट SGS प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 400 पदों पर भर्ती किया जाएगा, कारपेंटर के 18 पद, मार्केटिंग के टोटल 11 पदों पर भर्ती किया जाना है, फील्ड ऑफिसर के 8 पद, हेड गार्ड के 7 पदों पर भर्ती किया जाना है, इसी प्रकार सिक्योरिटी सुपरवाइजर के टोटल 5 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा SBI लाइफ मित्र के टोटल 15 पदों पर भर्ती किया जाएगा। इन पदों के लिए न्यूनतम जो आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 40 वर्ष। और इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 10वीं 12वीं स्नातक ग्रेजुएट स्नातोत्तर पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लोग बेरोजगार हो और रोजगार की तलाश कर रहे हो तो 464 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। ना आप लोगों से एग्ज़ाम लिया जाएगा, ना कोई आप लोगों से फीस लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को लेकर दिए गए समय और तिथि में उपस्थित हो जाना है। तीसरा विज्ञापन जारी किए गए मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों आप लोग यहां पर पद का नाम देख सकते हो, पैरामेडिकल के एक पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 9,000 रुपये। शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग से किया हुआ होना चाहिए, या फिर अगर आप लोगों के पास ये योग्यता नहीं है तो जनरल नर्सिंग एंड GNM कोर्स पास होना चाहिए। और जो वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार का आप लोगों का आयोजन किया जाएगा 15 फरवरी 2023 को किया जाएगा।
दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 14 फरवरी 2023 है, और साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा 16 फरवरी 2023 को। चौथा विज्ञापन जारी है काले जिला शिक्षा अधिकारी सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों कुछ समय पहले जिला के 3 स्कूलों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो फाइनली दोस्तों पात्र पात्र सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, अप्लाई किया है, तो आप लोगों का जो नाम पात्र पात्र सूची में है या नहीं, आप लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर पद का नाम भी पढ़ सकते हो, कौन कौन सा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक और चौकीदार के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ लिंक दिया गया है, mungeli.gov.in पर जाकर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों इसी विज्ञापन के नीचे जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, अप्लाई किया है, उन सभी विद्यार्थियों का डिटेल से जानकारी दिया गया है। आप लोग यहाँ दूसरे नंबर में अभ्यर्थी का नाम पढ़ सकते हो, उसी के बगल में पिता पति का नाम दिया गया है, और अंतिम में दोस्तों रिमार्क में पात्र पात्र बताया गया है। जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, अप्लाई किया है, इस सूची में उनका नाम है या नहीं, पात्र है या अपात्र है, वो भी यहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। पांचवा विज्ञापन जारी किया गया छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर में रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और फाइनली दोस्तों आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है, छत्तीसगढ़ के सभी जिले के अभ्यर्थी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 13 फरवरी को रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, जिसके अंतर्गत 200 निजी नियोजकों द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेलीकॉलर, ARDM सीनियर, एग्जीक्यूटिव ARDM आदि के टोटल 51 पद पर भर्ती किया जाएगा। और इन पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, 12वीं पास मांगा गया है, इसी के साथ बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। स्नातक ग्रेजुएट पास, स्नातोत्तर पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 8,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक। इसी प्रकार दोस्तों विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुजुकी मोटर्स गुजरात के लिए स्टूडेंट ट्रेनिंग के टोटल 50 पद पर भर्ती किया जाएगा, और आप लोगों को प्रतिमा 11,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है 10वीं पास मांगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ में। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को लेकर दिए गए समय और तिथि में उपस्थित हो जाना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इन विज्ञापनों से संबंधित या फिर अन्य भर्तियों से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।